को लाइक करते ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए। स्मार्टफोन खरीदने के लिए व्यू प्रोडक्ट्स क्लिक कीजिए। नोकिया के स्मार्टफोन जो सबसे ज्यादा जाना जाता था उसकी बैटरी परफॉर्मेंस से, जो कि देखने में छोटा रहता था पर हमको 2 से 3 दिन तक स्मार्टफोन चल जाता था। हाँ, मैं वही बात कर रहा हूँ, कीपैड वाली स्मार्टफोन। ये स्मार्टफोन के अंदर भी कुछ ऐसा ही होने वाला है, पर कीपैड वाला नहीं, इस बार स्क्रीन टच वाला होगा। यहाँ पर ये स्मार्टफोन के अंदर 6000 mAh की बैटरी परफॉर्मेंस हमको मिल सकती है और साथ में 67 W की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट है। तो आपको कैसा लगा इसकी बैटरी और स्पेसिफिकेशन चैट सेक्शन में बता सकते हो। नोकिया भाई, देखो नोकिया के स्मार्टफोन की खास बात की अगर बात करें तो हम लोगों को सबसे पहले दिमाग में आएगा कीपैड वाला स्मार्टफोन, जो भारत के अंदर एक समय पर इतना राज करता था। शायद किसी कंपनी ने सोचा होगा कि नोकिया जैसे बड़े ब्रांड को पीछे ला सकते हैं। खैर देखो यार, मार्केट काफी ज्यादा बड़ा है। टेक्नोलॉजी इन्वेंशन जो सबसे पहले कम कीमत के अंदर, यानी कि मैं बात कर रहा हूँ सही प्राइस के साथ सही समय पर लॉन्च कर देता है, तो वो कंपनी सबसे ज्यादा हिट हो जाएगा, क्योंकि वही स्ट्रेटजी अपनाया था Xiaomi ने। वैसे ही Realme आ चुका, Oppo, Vivo सारे ब्रांड्स बजट सेगमेंट और मिड सेगमेंट के अंदर हैवी फीचर्स के साथ बढ़िया परफॉर्मेंस स्मार्टफोन्स लॉन्च करते चले गए, पर पीछे रह गया नोकिया के स्मार्टफोन्स। अभी भी वो कीपैड वाले स्मार्टफोन लॉन्च करने में इतना ज्यादा खुश है, क्या मैं बताऊं। खैर आप लोग मेरे को बताओ, नोकिया के कीपैड वाले स्मार्टफोन कभी इस्तेमाल करते थे या फिर नहीं? शायद अभी भी कुछ लोग इस्तेमाल करते होंगे जो बड़े बड़े बिजनेस मैन से या फिर छोटे मोटे हम जैसे लोग भी है। पर बात कर लेंगे नोकिया की अपकमिंग स्मार्टफोन, जो एक फ्लैगशिप स्मार्टफोन होगा, पर इसके प्राइस देखने में हमको मिड रेंज हो सकता है। खैर नोकिया है भाई, हम एक्सपेक्टेशन तो लगा ही सकते हैं, पर कुछ ऐसे लीक्स और रूमर सामने निकल कर आ रहे हैं कि नोकिया की एक नया ब्रांड स्मार्टफोन आ सकता है जिसका नाम नोकिया टर्बो 2022। नाम कुछ सुनने में अलग है पर स्पेसिफिकेशंस उतना ही खास है। बात कर लेते हैं इसकी कैमरा क्वालिटी से। जैसे कि सैमसंग काम कर रहा है 600 MP कैमरा क्वालिटी के ऊपर, वैसे ही अभी ये स्मार्टफोन के अंदर हमको सुनने में आ रहा है 200 MP की कैमरा सेंसर हो सकता है। वो प्राइमरी सेंसर रियर सर में हमको देखने के मिलेगा और साथ में दो कैमरा और भी देखने के लिए मिल सकते हैं, जो 18+5 MP से रियर कैमरास होंगे। कैमरा की बात आ चुकी है तो सेल्फी कैमरा की अगर बात करें तो यहाँ पर 32 MP की AI सेल्फी स्नैपर हमको देखने के लिए मिलेगा, जो एकदम जबरदस्त फोटोज और वीडियोज लेने में आपको मदद करेगा सेल्फी से। आजकल सबसे ज्यादा ट्रेंड वाली बात करें तो वो है PUBG या BGMI, कॉल ऑफ ड्यूटी, न्यू स्टेट गेम्स खेलने की ट्रेंड। एक नया प्रोसेसर देखने के लिए मिलेगा, वो सबसे पहले नोकिया के इसी स्मार्टफोन के अंदर देखने के लिए मिल सकता है, और इस चिपसेट की मदद से आप अल्ट्रा HD गेमिंग कर सकते हो सिर्फ और सिर्फ मिड रेंज प्राइस सेगमेंट के अंदर। और ये 5G वेरिएंट तो होगा ही, कहा जा रहा है परफॉर्मेंस में ये स्मार्टफोन 20% फास्टर हो सकता है, जो अभी फिलहाल के लिए फ्लैगशिप जो भी सेंसर मार्केट के अंदर अवेलेबल है। साथ में स्क्रीन की बात करें तो 144Hz की स्क्रीन दी जाएगी और 6.9 inches की फुल HD+ सुपर AMOLED डिस्प्ले दी जाएगी। ये स्मार्टफोन के अंदर खास बात अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर दी जाएगी और स्क्रीन तो बढ़िया होगा ही। साथ में वेरिएंट्स की अगर बात करें तो काफी सारे कलर वेरिएंट्स के साथ काफी सारे रैम वेरिएंट्स भी हमको मार्केट के अंदर मिल जाएंगे। अगर मेनली ये स्मार्टफोन दो वेरिएंट अभी फिलहाल के लिए लिस्ट हुआ है, जो 6GB RAM, 8GB RAM। 6GB RAM के ऊपर 128GB इंटरनल स्टोरेज, 8GB RAM के ऊपर 128GB इंटरनल स्टोरेज हमको इस पेयर के साथ मार्केट में मिल सकता है। USB टाइप सी पोर्ट, 3.5mm ऑडियो जैक और जो भी सेंसर होने चाहिए स्मार्टफोन के अंदर मिल ही जाएगा। जैसे ही इसके बारे में ज्यादा कुछ जानकारी बाहर निकल कर आती है तो मैं आपको तुरंत इंटीमेट कर दिया करूंगा। तो बस दोस्तों, फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आया, तो जल्दी से इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। मैं मिलता हूं आपको और एक वीडियो साथ, तब तक के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।